हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास. वेलकम बैक टू लाइव क्लास ऑफ EIM, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स की लाइव क्लास नंबर 5 में आप लोगों का स्वागत है. डेट थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पर. एक्चुअली डेट है आज हमारा, कितना डेट है? 24. तो ये गलत है, इसको ना 24 कर लेना, ठीक है? 24 तारीख है आज, तो 24 अगस्त की क्लास है ये. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो आज 24 अगस्त की क्लास है, जल्दी जल्दी बाकी लोगों को भी बुला लो, बाकी लोगों को भी बुला लीजिए जल्दी से. और बात यह है कि आप लोगों को डेली डेली लिंक देना पड़ेगा, ये कोई बात थोड़ी ना है. जब आप लोगों को पता है कि 11 बजे क्लास होती है तो क्या मैं आपको डेली डेली लिंक दूँ? ये कौन सी बात है? आप तो 11 बजे आ जाया करो, ठीक है ना? 11 बजे आपको चैनल पर क्लास चलती हुई मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है ना? तो नहीं, नो इशू. आप ना 11 बजे आ जाया करो डायरेक्ट क्लास लेने के लिए. आप तो जो 11 बजे आके देखोगे ना, जैसे आप 11 बजे अपना यूट्यूब खोलोगे, और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर रखा है तो सबसे ऊपर वीडियो आएगी. जैसे ही यूट्यूब खोलोगे सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा लाइव स्ट्रीमिंग. या अगर नहीं आपकी स्क्रीन पर आता है तो आप सर्च कर लिया करो चैनल के नाम से पॉलिटेक्निक स्टडी, उसमें आज दिख जाएगा कि ये लाइव स्ट्रीमिंग है. बात यह है कि मैं आपको डेली डेली लिंक सेंड कर दूँ, मुझे लिंक सेंड करने में कोई इशू नहीं है. लेकिन क्या है कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ. अब ये लिंक मैंने कल ही बना दिया था, लेकिन इसको आप लोगों को सेंड करना भूल गया था, तो ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना? वरना लिंक सेंड करने में कोई वो थोड़ी ना लिंक सेंड करने का इशू. वो लिंक तो मैं डेली आपको लिंक सेंड कर दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? चलिए तो जल्दी से बाकी सबको भी बुला लो, क्योंकि बात यह है कि आप मिस कर दोगे तो मिस ही कर दोगे. फिर जिस किसी को भी आना है जल्दी से बुला लो, अगर कोई आने वाला है. और तो वरना फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोग आए देखने, कितने नहीं आए. लेकिन बात यह है कि ज़्यादा से मैं अगर बताना शुरू कर दूँगा फिर चीज़ें अगर मिस हो जाएंगी तो आपका नुकसान हो जाएगा ना, उन लोग का जो नहीं आए अभी, ठीक है? तो वेट कर लेते हैं 2 मिनट, इतने हम कल का रिवाइज कर लेते हैं जो कल पढ़ाया था. एज यू ऑल नो, आप लोगों को पता होगा कि कल हमने क्या पढ़ाया था. कल आप लोगों ने पढ़ा था कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, उसको प्रोड्यूस करने के मेथड कौन कौन से हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है और उसको प्रोड्यूस करने के मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है? तो क्या वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है ये तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है ना, और उसको प्रोड्यूस करने के मेथड कौन कौन से ये भी आप लोगों को पता है. तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वह टॉर्क होता है जो किसी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटर को 0 पोजीशन से ऊपर उठाने का प्रयास करता है. कंट्रोलिंग टॉर्क वो होता है जो पॉइंटर को एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पर रोकने का काम करता है, या फिर पॉइंटर को वापस से 0 पोजीशन में लाने की कोशिश करता है. और इन दोनों इफेक्ट के कारण पॉइंटर में वाइब्रेशन होने लगते हैं, ऑसिलेशंस होने लगते हैं. और इन वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस को ख़त्म करने के लिए जिस टॉर्क का यूज़ किया जाता है उसका नाम है डैम्पिंग टॉर्क. तो तीनों प्रकार के टॉर्क थे और उन तीनों टॉर्क को प्रोड्यूस करने के मेथड थे कुछ. तो बस आज का लेक्चर हमारा उन्हीं मेथड्स पर बेस्ड है कि उन तीनों टॉर्क को किस किस प्रकार से प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसी के ऊपर हमारा आज का लेक्चर है. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो लोग आ गए हैं उन्हीं के साथ हम क्लास शुरू कर रहे हैं. और बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी आए हैं देखने वो लाइक कर दें सब लोग. बाकी बाद में कर देना आपका मन है भैया, लेकिन जो भी देख रहा है लाइक कर दिया करो. अच्छी लगे आपको वीडियो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं लाइक करने की. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जरूर लाइक कर दो, अगर आपको अच्छी लगती है आप तभी लाइक करके जाओ, ठीक है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट, कल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के मैंने आपको 6 मेथड बताए थे, और वो 6 मेथड मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इफेक्ट और इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट. ये 6 मेथड थे कल जो कि आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के मेथड थे, ठीक है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डंपिंग टॉर्क क्या होता है इसके बारे में तो किसी को नहीं बताना दोबारा. ये तो आप लोगों को पता है ना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क या डंपिंग टॉर्क होता क्या है, टॉर्क क्या होता है बेसिकली, ये तो आपको पता ही है. अगर टॉर्क क्या होता है ये आपको पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं.
और भैया डेली डेली लिंक ना देने की नौबत ना आनी चाहिए, आप खुद ही लाइव हो जाएगा 11 बजे अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो। इंटरेस्ट ना है तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है आपसे आने के लिए कि जरूर आओ, आपका फायदा ही कर रहा हूँ नुकसान नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आपका मन है क्लास लेना है या नहीं, वो पूरी जगह आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपका फायदा ही हो रहा है, इसमें नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा। तो चलिए जब सबको क्लियर है वो चीज़ें पुरानी वाली, तो अब हम शुरू कर लेते हैं आगे की क्लास। हम मैग्नेटिक इफेक्ट से शुरू करते हैं। मैग्नेटिक ये 6 मेथड, पहले मैं डिफ्रैक्टिंग कोर के 6 मेथड सिखाऊंगा आपको, ये जो जरूरी है आपके सिलेबस में वो बता दूंगा, बाकी छोड़ देंगे। तो सबसे पहला मेथड है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या लिखा है? मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको पढ़ते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दो प्रकार के मैग्नेटिक इफेक्ट द्वारा डेवलप किया जाता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दो प्रकार के मैग्नेटिक इफेक्ट द्वारा डेवलप किया जा सकता है या प्रोड्यूस किया जा सकता है। एज यू ऑल नो कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने टाइप्स की होती है? मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स। और वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर वन टाइप है आपका, बताओ नंबर वन टाइप क्या है? नंबर वन आपका जो टाइप है वो होता है अट्रैक्शन टाइप, यानी कि आकर्षण, एक दूसरे को एक दूसरे की ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। दूसरा होता है रिपल्शन, रिपल्शन टाइप, प्रतिकर्षण। तो एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होता है, रिपेल कब होते हैं, ये शायद आप लोगों को पता होगा। अट्रैक्शन को बोलते हैं आकर्षण प्रारूपी और रिपल्शन को बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो आकर्षण कब होता है एंड प्रतिकर्षण कब होता है, आई थिंक कि आप सब लोग इस बात को ना जानते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण कब होता है, ठीक है भैया। चलिए तो बताओ जरा कब होता है अट्रैक्शन टाइप। नेहा वाजपेयी आपकी वॉइस आ रही है पर आप दिखाई नहीं दे रहे, क्या किसी और को भी ये शिकायत है? कोई और बता दो, क्या किसी और को भी ये शिकायत है कि मैं दिख नहीं रहा? क्योंकि मुझे तो यहाँ साफ साफ फोटो दिख रहा है भैया मेरा, स्माइल करते हुए। जल्दी जल्दी बताओ, मतलब आवाज और वीडियो क्लियर है ना, एकदम एकदम रिप्लाई किया करो, फास्ट फास्ट। नो सर, कुमारी सपना कह रही है हाँ मुझे आपको दिख रहे हैं झटका इंजीनियर्स, देखो झटका इंजीनियर्स को दिख रहे हैं भैया हम। ओके, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है फिर। चलिए तो मैंने कुछ पूछा था उसका जवाब दो। मैंने पूछा था कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं अट्रैक्शन का होता है और रिपल्शन का होता है, कोई भी बता दो, एक आध बता दो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, कि अट्रैक्शन का होता है और रिपल्शन का होता है, एक मैग्नेट में कब अट्रैक्शन होगा और कब रिपल्शन होगा, कोई भी एक आध बता दो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जल्दी बता दो एकदम, अगर किसी को पता है तो बता दो, वरना मैं खुद बताने के लिए रेडी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अट्रैक्शन तब होता है जब अपोजिट पोल होते हैं, नेहा सिंह का कहना है, बिल्कुल सही है। चलो चलो ठीक है फिर, अट्रैक्शन तब होता है जब अपोजिट पोल होते हैं, रिपल्शन तब होता है जब सेम पोल होते हैं। अब पोल क्या होते हैं आपको पता है, किसी भी मैग्नेट के, चाहे वो स्क्वायर में हो, सर्किल में हो या रेक्टेंगुलर पीस में हो, किसी भी पीस में हो, तो उसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। कुमारी सपना ध्यान रखें, मैग्नेट में कभी भी प्लस और माइनस नहीं होता, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप हमेशा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, विपरीत ध्रुव आकर्षक, बिल्कुल सही है। जब नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्थ तो अट्रैक्ट,
ठीक है अरविंद पाल। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना। देखिए दो पोल होते हैं मैग्नेट्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कभी भी आप मैग्नेट्स को प्लस या माइनस से इंडिकेट नहीं करोगे, कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि ये मैग्नेट का पॉजिटिव टर्मिनल है या ये नेगेटिव टर्मिनल है। नो नो, इट्स रॉन्ग। ओनली मैग्नेट के टर्म्स में जब बात करते हैं हम, तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ही बात, पोल की बात करेंगे हमेशा, ठीक है भैया। और एक मैग्नेटिक फील्ड में केवल दो ही पोल हो सकते हैं, मतलब एक मैग्नेट के थ्रू केवल दो ही पोल जनरेट किए जा सकते हैं, नॉर्थ और साउथ। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर को तरफ को बैरी करती हैं, जाती हैं, मूव करती हैं, राइट, या इधर को जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब हम आते हैं कि मैग्नेटिक रिपेल अट्रैक्शन कब होता है और रिपल्शन कब होता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात, जब नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक जगह आएंगे तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी कि रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना। और जब मैं अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन का, जब अपोजिट पोल आते हैं तो अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। इसको आप जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं। जब मैं कभी पढ़ाई का किया करता था तो हमें, तो हमारे सर ने इस तरीके से समझाया था कि मेल फीमेल अट्रैक्शन, मेल मेल रिपल्शन, ठीक है ना। तो जब अपोजिट पोल हैं तो एक दूसरे की तरफ को खींचेंगे वो, यानी कि आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और मैग्नेटिक रिपल्शन इफेक्ट में, रिपल्शन इफेक्ट कब होगा, जब सेम पोल होंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अपोजिट पोल हैं तो खींचेंगे एक दूसरे से, और सेम पोल हैं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। समझ में आ गया अट्रैक्शन कब और रिपल्शन कब, ठीक है भैया। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब हम इस मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट को और रिपल्शन इफेक्ट को अब हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि अट्रैक्शन इफेक्ट क्या होता है और रिपल्शन इफेक्ट क्या होता है। इस कंडीशन में, जो कंडीशन अभी चल रही है, इस कंडीशन में अट्रैक्शन इफेक्ट और रिपल्शन इफेक्ट को अब हम इन डिटेल पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए सुनिएगा, लिखा है मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट में कि इस प्रकार के इफेक्ट द्वारा इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क उत्पन्न करने के लिए एक आयरन की डिस्क को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पतली सी शाफ्ट पर अरेंज किया जाता है। एक डायग्राम है इसका, वो आज मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको नोट्स में भेजूंगा, ठीक है। जब मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा तो उन नोट्स में मैं आपको इसका डायग्राम सेंड कर दूंगा, क्योंकि बात क्या है कि अभी जो आगे आने वाला है तो इस मैग्नेटिक अट्रैक्शन का, मैग्नेटिक रिपल्सर का बहुत बार जिक्र होगा, बहुत, मतलब आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत बार जिक्र होगा, तो उन वाले चैप्टर्स में समझा दूंगा आप लोगों में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का सुनिए, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का क्या है कि इस प्रकार के इफेक्ट द्वारा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक आयरन की छोटी सी डिस्क को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पतली सी शाफ्ट पर अरेंज किया जाता है। ऐसे ही शाफ्ट है, ये हो गई शाफ्ट, इस पर वो डिस्क लगा देंगे, वो डिस्क घूमती रहेगी इसके ऊपर, ठीक है नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड में है वो डिस्क, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में, और ऊपर से लोहे की डिस्क है, मैग्नेटिक फील्ड में है और जब लोहे की डिस्क है तो जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो नॉर्थ पोल उस लोहे के साउथ पोल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके से वो डिस्क घूमने लगती है। और जब वो डिस्क घूमती है तो डिस्क से जुड़ा होता है इंडिकेटर, तो जब डिस्क घूमती है तो इंडिकेटर भी मूव करता है या डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस प्रकार हम मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट द्वारा डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस कर पाते। सही है भैया, आप पूरा पढ़ लेते हैं इसको, कि पतली सी शाफ्ट पर अरेंज किया गया है, चित्र में दिखाया गया, कल देख लेना, अभी देख लेना, थोड़ी देर बाद मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जब उसमें कॉइल लगी होती है, जब कॉइल में एक करंट फ्लो की जाती है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, एज यू नो। जब ये तो आपको पता ही कि जब लोहे के टुकड़े पर कोई कॉइल लगी होगी और जब हम उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के काम करने से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड डिस्क को अंदर की ओर खींचता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, जो लोहे के टुकड़े में, जो लोहे के टुकड़ों पर बना है, तो ये जो है डिस्क को अंदर की ओर खींचता है, डिस्क को अंदर की ओर खींचता है। आपको मार्क करता चलता हूँ, डिस्क को अंदर की ओर खींचता है, यह देखिए। उसके बाद इस प्रकार इंस्ट्रूमेंट का इंडिकेटर डिफ्लेक्ट हो जाता है। जब डिस्क अंदर की तरफ को घूमना शुरू करेगी तो डिस्क से जुड़ा हुआ है इंडिकेटर, यानी कि पॉइंटर, तो
तो वो पॉइंटर भी आगे डिफ्लेक्ट यानी कि मूव होना स्टार्ट हो जाए, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन इफेक्ट के कारण इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता। सिंपल सिंपल, फिर से सुन लीजिए। इसमें एक शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट के ऊपर लोहे की एक डिस्क लगी होती है, डिस्क पर एक क्वाइल लगी होती है। क्वाइल में जब करंट फ्लो की जाती है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगती है, जो हमारा इस सिस्टम में है वो डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता। सही है भैया, डिफ्लेक्शन टॉर्क के मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी जल्दी से बताइए, अगर अट्रैक्शन इफेक्ट में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं मैग्नेटिक रिपल्शन इफेक्ट को समझा देता हूँ। और ये ज़्यादा क्या, मैं आपको एक बेसिक अंतर बता के जाऊँगा कि इसमें जो है मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट में एक डिस्क लगी होती है और इसमें दो लोहे के टुकड़े लगे होते हैं, ठीक है नहीं, अभी बताऊँगा। लेकिन आप पहले ये बताइए कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट जो मैंने अभी समझाया उसमें तो कोई डाउट नहीं? अगर उसमें कोई डाउट ना हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से कोई भी कमेंट, कोई भी रिप्लाई कर दिया करो एकदम। मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट को जो अभी समझाया आपको, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए। पिंकी शर्मा का कहना है क्लियर हो गया, तो बाकी सबको भी क्लियर हो गया होगा ऐसा हम मान लेते हैं, और हम आगे बढ़ जाते हैं मैग्नेटिक रिपल्शन इफेक्ट। अरविंद पाल कह रहे हैं वंस मोर प्लीज। चलिए अरविंद, फिर सुन लीजिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन को एक बार फिर से सुन लीजिए। सब लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को। देखिए बिल्कुल सिंपल फंडा है कि इसमें एक शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट के ऊपर एक डिस्क लगी होती है, यहाँ बाइंडिंग की जाती है। जब बाइंडिंग में करंट फ्लो कराया जाता है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं, जिससे डिस्क को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, डिस्क को घुमाने की कोशिश करता है, और डिस्क से जुड़ा होता है आपका पॉइंटर। तो जब डिस्क घूमती है तो वो पॉइंटर भी घूमता है, डिस्क घूमती है तो वो पॉइंटर भी घूमता है, और पॉइंटर के घूमने के लिए ही तो हम ये सब कहानी कर रहे थे इतनी देर से। अगर पॉइंटर हमारा घूम गया तो हमारी कहानी ख़त्म हो गई, हम कर ही क्यों रहे थे? हमको तो केवल और केवल पॉइंटर घुमाना था, इसलिए सारी राग माता चल रही थी। तो पॉइंटर घूम गया यानी कि डिफ्लेक्ट हो गया पॉइंटर हमारा, और हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो गए। क्लियर, अब आगे बढ़ते, अब आते हैं मैग्नेटिक रिपल्शन मेथड में। देखिए पहले एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए आप मैग्नेटिक अट्रैक्शन और मैग्नेटिक रिपल्शन मेथड में। एक्चुअली एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, मैग्नेटिक अट्रैक्शन में और मैग्नेटिक रिपल्शन में, और वो है कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन मेथड में एक डिस्क का यूज किया जाता है और मैग्नेटिक रिपल्शन मेथड में दो लोहे के टुकड़ों का यूज किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, मैग्नेटिक अट्रैक्शन मेथड में एक डिस्क का यूज किया जाता है और मैग्नेटिक रिपल्शन मेथड में दो लोहे के टुकड़ों का यूज किया जाता है। तो मैग्नेटिक रिपल्शन मेथड में क्या होता है कि इस मेथड से इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए लोहे के दो टुकड़ों को इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि उन दोनों पर सेम पोल बनते हैं, उन दोनों पर सेम पोलैरिटी होती है, यानी कि इधर भी एन इस वाले पर भी फील्ड में रहते हैं और उन दोनों पर सेम पोलैरिटी रहती है, मतलब उसको उनको के टुकड़ों को इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि दोनों में सेम पोलैरिटी रहती है और दोनों पर सेम पोल बनते हैं, जैसे दोनों पर एन पोल बनेंगे या दोनों पर एस पोल बनेंगे। और अब आपको पता ही है कि जब दोनों में सेम पोल बनेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, जिसके कारण उनमें एक रिपल्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा और वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जब दोनों पर सेम पोलैरिटी होगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका अरेंजमेंट इस प्रकार का किया गया है, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है कि दोनों पर सेम पोलैरिटी बनेगी। क्लियर, अब जब उन दोनों पर सेम पोल हो गया और वो एक दूसरे दूर भाग रहे हैं तो उन दोनों में से किसी एक से आपका इंडिकेटर कनेक्ट किया जाता है, और जो जब वो दूर भाग रहे हैं तो मैं यानी कि उनमें आपस में मूवमेंट हो रहे हैं, और जब उनमें मूवमेंट होगा तो डिफ्लेक्शन में भी मूवमेंट हो, इंडिकेटर में भी मूवमेंट यानी कि डिफ्लेक्शन होगा। और हमारा काम तो यही था, हमको करना केवल यही था कि हमको केवल इंडिकेटर में डिफ्लेक्शन कराना था, काम खत्म।
तो रिपल्शन मेथड में ही हो गया। एक बेसिक डिफरेंस याद रखना कि उसमें डिस्क का यूज़ किया जाता है, उसमें दो लोहे के टुकड़ों का यूज़ किया जाता है। उसमें डिस्क खींचती चली जाती है और इसमें लोहे दूसरे से दूर भागते हैं। उसमें इंडिकेटर डिस्क के साथ कनेक्ट किया जाता है और इसमें लोहे के टुकड़े के साथ कनेक्ट किया जाता है। कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम बढ़ते हैं अपने केमिकल इफेक्ट की तरफ। अनम बी किसको बताना है, फिर से बता दो दिया। अनम बी मैग्नेटिक इफेक्ट तो बता दिया था, रिपल्शन इफेक्ट में बताओ। मैग्नेटिक इफेक्ट और रिपल्शन इफेक्ट दोनों मैंने दो दो बार बता दिए, अभी बताइए आप। कोई दिक्कत नहीं, आपको डाउट अभी भी आप बेझिझक पूछिए, बिल्कुल भी शर्माइएगा घबराइएगा मत, आप तो बेझिझक पूछिए। अगर आपको डाउट है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करना पूछते हुए, पता है आप अगर अभी झिझकोगे तो फिर बाकी फिर लोगों से कैसे आंसर दे पाओगे। तो कभी भी आप, मैं आपको खुद से बोल रहा हूँ कि आप झिझकिए मत, आप तो मेरे से पूछ लीजिए, तो आप तो पूछ लीजिए जब तक आपको क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन और मैग्नेटिक रिपल्शन दोनों हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने उसकी तरफ, क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट की। बाकी नोट्स भेज दूंगा, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं नहीं बता पाता, या बहुत सी ऐसी होती हैं नोट्स में भी नहीं होती तब भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो नोट्स भेज देंगे जो जो भी लिखने लायक है। और बाकी सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं केमिकल इफेक्ट में। देखिए केमिकल इफेक्ट में है कि जब किसी केमिकल में इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है तब उसके इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है नहीं, ये बात तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि जब किसी केमिकल में इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है तो इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव बन जाता है और नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक्स, ठीक है नहीं, विद्युत अपघटन कहा जाता है इस प्रोसेस को पूरा। अब इसमें क्या रहता है कि इस विद्युत अपघटन के कारण इसमें इंडिकेटर मूव हो जाता है, जो कि आपके फैराडे के विद्युत अपघटन नियम से होता है। आपका फॉर्मूला आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो या BEE में पढ़ के आए हो या फिर मुझे पता नहीं कहाँ पढ़ के आए हो, लेकिन आप पक्का पढ़ के आए हो फैराडे के विद्युत अपघटन नियम को। ये होता है MZiT। एम होता है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोड पर मटीरियल कलेक्ट हुआ, टी मतलब टाइम, आई मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है, और जेड एक केमिकल इक्विवेलेंट या केमिकल कांस्टेंट होता है। तो इसके कारण उस क्या बोलते हैं उसमें इलेक्ट्रोड में मूवमेंट होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ पॉइंटर मूव करने लगता है। ये आपका केमिकल इफेक्ट है, जो कि आपके लिए नाम मात्र इम्पोर्टेंट है। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये दोनों थी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट और मैग्नेटिक रिपल्शन इफेक्ट। यही दोनों आपके आगे जाके चैप्टर्स में, सारे चैप्टर्स में ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जहां आपको ये दोनों पढ़ने को नहीं मिलेंगे, हर एक चैप्टर में आएंगे। और बाकी ये कहीं नहीं पूछे जाते, ना केमिकल ना थर्मल, ठीक है ना। थर्मल में तो बिल्कुल ही आसान है, क्या है कि जब उसमें करंट फ्लो कराई जाती है तो वो एक क्वाइल जो है वो हीट होने लगती है, और हीट होने के कारण इंस्ट्रूमेंट में एक टॉर्क डेवलप हो जाता है, और इस यही टॉर्क जो होता है वो पॉइंटर को आगे बढ़ाने का काम करता है, और इसी को कहा जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये तो सिंपल जो जूल्स का हीटिंग लॉ है आपने सुना होगा, जूल्स का उष्मीय नियम, उस पर आधारित है। H=I²RT आपने सुना है, तो उसी पर आधारित है सिंपल फंडा। समझ में आई बात, करंट फ्लो कराएंगे तो हीट डेवलप होगी, जब हीट डेवलप होगी तो उस हीट के कारण इंस्ट्रूमेंट में एक टॉर्क बन जाएगा, यही टॉर्क पॉइंटर को आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसी को कहा जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यह थर्मल इफेक्ट जो आधारित है वो जूल के नियम पर आधारित है, जूल के उष्मीय नियम पर आधारित है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पर आधारित है, ठीक है भैया। अब आते हैं आगे, थर्मल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के दो मेथड हैं, हॉट बायर मेथड और थर्मो इलेक्ट्रिक EMF मेथड। दोनों में से कोई सा भी आपके काम का नहीं है, केवल आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया है बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। दोनों में से कोई भी आपके काम का है नहीं, कोई भी डाउट हो यहां तक तो आप पूछ सकते हो।
कोई भी अगर हो डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो आप। मोहित सिंह राजपूत। हाँ मोहित बताइए। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पर। कहाँ आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पर। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप सब बहुत अच्छे से पढ़ गए हो फिजिक्स में। इसको क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बिना किसी वायर के इलेक्ट्रिसिटी एक एक जगह से दूसरी जगह पास की जाती है इंडक्शन के थ्रू। मतलब किसी माध्यम से, किसी सरफेस के थ्रू, बस कॉइल नहीं लगी होती, केवल कोर लगी होती है और कोर के थ्रू इस इलेक्ट्रिसिटी है वो पास कर दी जाती है आगे को। इसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस। और इस इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार के इफेक्ट द्वारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक कॉपर या एल्युमिनियम डिस्क को एसी सप्लाई प्रोड्यूस की जाती है। सिंपल सी बात है, जब एसी सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये अल्टरनेटिव नेचर का होता है, पता है ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, ये बेसिक नॉलेज है। खैर मतलब ये तो है नहीं कि मैं आपको एक ही लेक्चर में या एक ही सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट की नॉलेज देता रहूं, लेकिन तब भी आपके बहुत काम आएंगे। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब हम एसी सप्लाई देते हैं ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो होता है अल्टरनेटिव नेचर का, अल्टरनेटिव नेचर का, या फिर चेंजिंग फ्लक्स होता है वो, चेंजिंग फ्लक्स, NS-NS घूमता रहता है वो, अल्टरनेट बैरी करता रहता है वो। जब हम डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई सिंगल फेज एसी देते हैं तो चेंजिंग फ्लक्स होता है, जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो उससे प्रोड्यूस होता है कांस्टेंट फ्लक्स। यानी कि ये अगर मैग्नेट है, यहाँ पे हमने तार लपेट के यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दी, तो अगर यहाँ पे एन और यहाँ पे एस बन गया ना, तो ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे एन और यहाँ पे एस ही रहेगा। अगर आप मैग्नेट को घुमा देंगे तो यहाँ पे एन और यहाँ पे एस हो जाएगा, खुद से चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर एसी सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो ये घूमता रहता है, NS-NS बैरी करता रहता है ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जब थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो रोटेटिंग नेचर का बनता है, और वो किस उससे रोटेट होता है, वो आपका सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होता है। ठीक है भैया, ये इतना अच्छी काम की बात थी कि शायद आपको पता लगेगी जाके थर्ड ईयर में, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई पूछे, क्योंकि इस पर सारी की सारी मोटर ट्रांसफॉर्मर इसी पर सिद्धांत पर बेस्ड है। इसमें आते हैं तो क्या कह रहे हैं, एसी सप्लाई देते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, इस प्रकार उसमें एक फोर्स डेवलप होता है और इस फोर्स के कारण डिस्क जो है आगे को घूमने का प्रयास करती है, और जब डिस्क घूमने का प्रयास करेगी तो सिंपल सी बात है कि उसमें एक टॉर्क बन जाएगा, और यही टॉर्क जो है वो इंस्ट्रूमेंट के इंडिकेटर को आगे ले जाता है। आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस। समझ में आगे बात? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? मैं चैट खोल रहा हूँ, बता दो कोई दिक्कत हो तो। अभी डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं आप, मेरे से सवाल पूछिए ना यहाँ पे। मैं एक तो आप मुझे यहाँ पे लिखेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा हर बात का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके किसी भी मैसेज को इग्नोर किया जाए। और अगर इन केस आपका मैसेज में नहीं पढ़ पाया तो आप दोबारा पूछ लो भाई, दोबारा पूछने में क्या दिक्कत है ना आपकी? तो आपको आपको आपके सवाल का समाधान चाहिए, तो दोबारा पूछ लीजिए, तीन बार पूछ लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम हमारे जो थे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के मेथड थे वो खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा अभी कोई दिक्कत तो नहीं है विजुअल में या वीडियो में? सबको साफ साफ दिख रहा है ना, कोई ऐसा इशू तो नहीं है? और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस किसी को भी सवाल पूछना हो अगर वो तुरंत लिख के भेज दिया करो यार, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता आपके सवाल को इग्नोर किया जाए। ठीक है ना, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के सारे मेथड खत्म हो गए। अब हम आ गए हैं अपने कंट्रोलिंग टॉर्क पर। कंट्रोलिंग टॉर्क सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन आपको बता दी थी कल मैंने। वह टॉर्क होता है जो पॉइंटर को वापस से जीरो पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। दो मेथड होते हैं इसके, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड हम सीधा सीधा इसके पहले मेथड पर चलते हैं जिसका नाम है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। आपका टाइम ना मैं वेस्ट करना चाहता हूँ ना मैं खुद का वेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए आपको सीधा सीधा टॉपिक पर आते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड।
सही है भैया, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड लिखा है कि इस मेथड में फास्फोरस प्लस ब्रॉन्ज की बनी हुई एक स्प्रिंग यूज की जाती है। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में फास्फोरस प्लस ब्रॉन्ज, यानी फास्फोरस तो फास्फोरस होता है और ब्रॉन्ज बोलते हैं कांसे को, तो फास्फोरस और ब्रॉन्ज की एक स्प्रिंग यूज की जाती है। लिखा है कि यह स्प्रिंग मूविंग सिस्टम से जुड़ी होती है। ठीक है भैया, मूविंग सिस्टम मतलब घूमने पर, जो इंडिकेटर को घुमाएगा। जब इंडिकेटर डिफ्लेक्ट होना शुरू होता है तो यह स्प्रिंग दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में क्या है कि इसमें फॉस्फोरस प्लस ब्रॉन्ज की एक स्प्रिंग यूज की जाती है। यह आपकी डिफ्लेक्टिंग सिस्टम था उससे जुड़ी होती है। जब इंडिकेटर आपका ऊपर की ओर को डिफ्लेक्ट होना शुरू होता है तो ये स्प्रिंग जो है दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती है ऐसे करके। ठीक है, ये दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कि इंडिकेटर में हुए डिफ्लेक्शन का अपोज करता है। ठीक है, इसे कंट्रोलिंग टॉर्क कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के दो मेथड हैं, स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल। फिलहाल हम स्प्रिंग कंट्रोल पढ़ रहे हैं, इसमें हम यूज करेंगे एक स्प्रिंग जो कि आपकी फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज से मिलकर बनी है। जब वो डायरेक्टली डिफ्लेक्टिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है, जब आपका डिफ्लेक्शन सिस्टम ऑपरेटिंग में होता है यानी कि इंडिकेटर ऊपर उठना स्टार्ट करता है तो यह जो स्प्रिंग है वो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती है, जिससे इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के डायरेक्टली अपोज करता है और उसको कहा जाता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क थीटा के इक्वल होता है और थीटा होता है आपका क्या बोलते हैं इंडिकेटर का डिफ्लेक्शन एंगल। इंडिकेटर किस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है उसको कहा जाता है थीटा, और थीटा के ये जो टॉस ही लिखा है, ये लिखा है टॉस ही, इसको कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं और टॉय डी से रिप्रेजेंट किया जाता है डिफ्लेक्शन टॉर्क को, टॉस ही से कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है भैया, समझ में आया यहाँ तक? कोई भी डाउट हो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट में दो स्प्रिंग का यूज भी किया जाता है। इसमें क्या है कि जब दो स्प्रिंग का अरेंजमेंट करते हैं तो एक इंडिकेटर के साथ मूव करता है, दूसरा उसका अपोज करता है। ठीक है नहीं, ये होता है, लेकिन ज़्यादातर में सिंगल का यूज़ किया जाता है। बताओ कोई डाउट हो तो। अगर एनएस का जो बताया था, देखिए एनएस का मैंने बताया था कि सिंगल फेस जब हम सप्लाई देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक लोहे का टुकड़ा है, इस पर हमने सप्लाई दी, सिंगल फेस सप्लाई ऐसी दे रहे हैं, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बैरी करने वाला बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एन, यहाँ पे एस बन गया, तो वो रुकेगा यहाँ पे, फिक्स नहीं रहेगा, घूमता रहेगा, एन एस यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, चेंज होता रहेगा, चेंजिंग फ्लक्स बनता है। जब हम एसी सिंगल फेस की जगह डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर फिक्स मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी कि यहाँ पर एन बन गया तो एन ही रहेगा, यहाँ पर एस बन गया तो एस ही रहेगा, ये होती है कहानी। और जब हम थ्री फेस देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये आपके मशीन सब्जेक्ट में बहुत काम की चीज़ है। आपको अभी तो ईएम की क्लास चल रही है, एक महीना मुश्किल से लगेगा आपका, ईएम खत्म हो जाएगा आज मैं चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट खत्म करके जाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 आने वाले 3 से 4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था ना 5-5 वीडियो के चैप्टर के लिए, 11 चैप्टर हैं, 50 वीडियो, लगभग एक या सवा महीने में जब पूरी किताब खत्म हो जाएगी ईएम की आपकी। पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ अच्छे से। ग्रेविटी कंट्रोल मेथड दूसरा मेथड है, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। तो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में क्या है कि इसमें एक हल्का सा लाइट वेट जो कि एडजस्टेबल होता है वो लगा दिया जाता है और उस पर ग्रेविटी अप्लाई की जाती है। तो ग्रेविटी के कारण इसमें एक फोर्स लगता है और इस फोर्स के लगने के कारण इसमें एक टॉर्क डेवलप होता है और इस टॉर्क को कहा जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क। फिर से वही कहानी है कि ये जो टॉर्क है वो उस डिफ्लेक्शन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उस डिफ्लेक्शन टॉर्क के डायरेक्टली अपोज करेगा।
सीधा अपोज करेगा। तो स्प्रिंग कंट्रोल में एक स्प्रिंग लगी होती है, ग्रेविटी कंट्रोल में छोटा सा टुकड़ा लगा होता है लाइट वेट लोहे का, जो कि ग्रेविटी के कारण उसमें एक फोर्स लगता है, उस फोर्स के लगने से उसमें एक टॉर्क डेवलप हो जाता है जो कि साइन उस डिफ्लेक्शन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिफ्लेक्शन टॉर्क के डायरेक्टली अपोज करता है। ठीक है भैया, ये आपका ग्रेविटी कंट्रोल मेथड था। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 5 नंबर में पूछे जाने के लिए। नेक्स्ट है आपका डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ कल, कि जब डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण पॉइंटर में वाइब्रेशंस होते रहते हैं, उन वाइब्रेशंस को ख़त्म करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क का यूज़ किया जाता है। 3 प्रकार का होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। पहला टाइप पढ़ लेते हैं हम, एयर फ्रिक्शन क्या होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग देख लेते हैं। देखिए डैम्पिंग में लिखा है कि इस प्रकार के मेथड से डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक हल्के एल्यूमिनियम की पिस्टन का यूज किया जाता है। दरअसल इसमें पिस्टन क्या रहती है कि पिस्टन इसमें शक करती है। अभी मैं आगे इसका आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये इसका डायग्राम है। तो देखिए ये है डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का डायग्राम। तो ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है ये वाला हिस्सा, और ये एयर चैम्बर है ये वाला, ये पूरा हिस्सा एयर चैम्बर कहलाया है। तो और ये इसकी शाफ्ट है पिस्टन की, और ये आपका इंडिकेटर है, और ये आप जो देख रहे हो ऐसा करके लाइन खींची हुई छोटे छोटे खाने वो इसके, ठीक है। तो जब इसमें वाइब्रेशंस होते हैं तो इन वाइब्रेशंस को ख़त्म करने के लिए ये जो पिस्टन है ये एयर सक करती रहती है, एयर सक करती रहती है जिससे कि ये वाइब्रेशंस ख़त्म होते हैं। एयर यहाँ से खींचती रहती है, ये पिस्टन जो है लगातार एयर यहाँ से खींचती रहती है, छोटी सी होती है बहुत, क्योंकि आप एक इतना छोटा सा एमीटर होता है तो उसमें ये कितनी छोटी सी होगी सोच के देख लो आप। तो यहाँ से एयर सक करती रहती है जिससे कि आपके इस पॉइंटर में होने वाले वाइब्रेशंस, जैसे कि मान लीजिए ये वाली ऐसे करके, ये पॉइंटर यहाँ पे है कि यहाँ पे ऐसे करके मूव करता रहेगा ये, तो इसमें होने वाले वाइब्रेशंस को ख़त्म करती रहती है एयर सक करके, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। बाकी आप पूरा पढ़ लेते हैं। तो पिस्टन जो है मूविंग पार्ट से जुड़ी होती है और एक साइड से खुली होती है दूसरी साइड से बंद होती है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जब मूविंग सिस्टम में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू होता है तो डैम्पिंग टॉर्क के कारण एयर को अंदर खींच लिया जाता है जिससे कि उसके वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस खत्म हो जाते हैं। बाकी मैं आपको नोट सेंड कर दूँ लिखने के लिए, समझने के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी। कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ लीजिए। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फिर हम बढ़ते हैं फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग की तरफ, ठीक है भैया। फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में एयर को सक किया जाता है, फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग में कोई फ्लूड जैसे कि कोई लुब्रिकेशन कोई ऑयल भर दिया जाता है और उसमें एक डिस्क उसमें एक पीस डाल दिया जाता है, टुकड़ा डाल दिया जाता है, वो इसमें घूमता है और इसमें घूम करके उसमें पॉइंटर में होने वाले वाइब्रेशंस को ख़त्म करता है। बाकी आपके नोट्स में लिखा है। एडी करंट डैम्पिंग, देखिए डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा मेथड है एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है भैया। डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा मेथड माना जाता है आपका एडी करंट डैम्पिंग। मैंने कल भी बताई थी वाली बात, आज भी बता रहा हूँ। इस मेथड से डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, इस मेथड से आप डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट की डिस्क का यूज़ किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट की डिस्क का। परमानेंट मैग्नेट का मतलब जिसमें जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट जो मैग्नेटिक मटेरियल से ही डिस्क बनाई होगी उसकी डिस्क का यूज़ किया जाता है, और ये जो मूविंग सिस्टम के साथ जुड़ी होती है, जब इंडिकेटर मूव करता है तो डिस्क भी रोटेट करने लगती है, और यह डिस्क परमानेंट मैग्नेट के बीच में रोटेट करती है, इसीलिए इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। आपको ये वाली बात शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन फैराडे का लॉ कहता है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ये आपके अल्टरनेटर डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। उसी सिद्धांत से इसमें एक एडी करंट जनरेट हो जाता है, और यही एडी करंट जो है वो उस पॉइंटर में होने वाले वाइब्रेशंस को ख़त्म करता है,
इसलिए इसको कहा जाता है एडी करंट डैम्पिंग। इसका डायग्राम आपके ये है, ये आपके दोनों, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट है और ये वो डिस्क है जो घूम रही है इन दोनों परमानेंट मैग्नेट के बीच, और ये आपका पॉइंटर है और ये यहाँ पे स्केल होगा इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा कहानी होगी। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, कतई जिंदा ख़त्म। अंशु ठाकुर गुड मॉर्निंग। अब आते हैं हम वोल्ट मीटर चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, बाकी डिटेल में कल को समझाएंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा वोल्ट मीटर एंड एमीटर्स, वोल्ट मीटर एंड एमीटर्स। तो आपको पता है जो वोल्टेज को मेजर करता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, जो करंट को मेजर करता है उसे एमीटर कहते हैं। ये इनके टाइप्स हैं, मूविंग आयरन टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, हॉट वायर टाइप, थर्मोकपल टाइप, इंडक्शन टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। 6 टाइप हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल ये 2 टाइप ही हैं। आपके सिलेबस में आपको केवल ये 2 टाइप ही पढ़ने हैं, मूविंग आयरन टाइप और मूविंग कॉइल टाइप। मूविंग आयरन में लोहे के टुकड़े मूव करते हैं और मूविंग कॉइल में जो बाइंडिंग होती है वो मूव करती है। अब ये मूविंग आयरन 2 प्रकार के होते हैं, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप, और मूविंग कॉइल भी 2 प्रकार के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप या फिर इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप। जो लैब में आप इंस्ट्रूमेंट देखते हो उनमें से ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन टाइप, ठीक है भैया। कल को इन सबको मैं इन चारों को इन डिटेल समझाऊंगा, और इन चारों में से कम एक क्वेश्चन 5 नंबर का, पता है ऐसी एक भी क्लास नहीं है जिस क्लास में से 5 नंबर का क्वेश्चन ना पूछा जाए अभी तक। तो कल मिलते हैं 11 बजे। आज की क्लास में कोई डाउट हो, कैसी लगी क्लास बता दो, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, कैसी लगी क्लास बता सकते हो, वरना जा सकते हो। और बाकी लोगों को भी भैया बोल दो क्लास लेने के लिए, वरना पछताएंगे बाद में बहुत। चलिए फिर, अब मिलेंगे कल 11 बजे, तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो और देखते रहो हमारा चैनल पॉलिटेक्निक।